मुयोर सिरिफाइव पर आज हम हाउस ऑफ ड्रैगन के एक ऐसे इविल इवेंट के बारे में बात करेंगे जिसने डांस ऑफ ड्रैगन का वॉर शुरू किया था। एक्चुअल में इस इवेंट के पीछे ल्यूक वैलेरियन की मौत होती है, क्योंकि जब स्ट्रोमेंड में एमेंड और ल्यूक की बहस होती है और बाद में एमेंड टारगेरियन का ड्रैगन वेगार आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और वो ल्यूक और उसके ड्रैगन एरेक्स को मार देता है। ब्लड एंड चीज का इवेंट उसके आगे की कहानी है। उसके पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि आपको आगे के अपडेट्स मिलती रहें। जब वेगार ल्यूक और एरेक्स को मारता है तब एमेंड काफी शोक में होता है। अब एमेंड टारगेरियन को आगे के कॉन्सिक्वेंसेस साफ साफ नजर आ रहे थे और उसे पता होता है कि उसने एक्सीडेंटली इस वॉर को शुरू कर दिया है। इसके बाद जब वो किंग्स लैंडिंग पहुंचता है तब उसके पहुंचने से पहले ही किंग्स लैंडिंग में सबको पता लग चुका होता है कि स्ट्रोमेंड में क्या हुआ था। सबसे पहले एमेंड अपनी मदर एलिसेंट से मिलता है और एलिसेंट उस पर चिल्लाती है। वो एमेंड को बोलती है कि उसे लगा था कि एमेंड की सिर्फ एक आंख नहीं है, लेकिन एमेंड तो पूरी तरह से अंधा हो चुका है और वो एमेंड से ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि वो ये सब करेगा। इसके बाद ओटो हाईटावर भी एमेंड की इस हरकत से खुश नहीं होता, लेकिन एमेंड का भाई एगोन जब उसे देखता है तो वो बहुत जोर से हंसता है और वो एमेंड के लिए बोलता है कि एमेंड एक ट्रू टारगेरियन है और आज उसने ये साबित कर दिया। वो एमेंड के लिए एक फीस रखता है और जश्न मनाता है। वहीं दूसरी ओर ड्रैगनस्टोन में क्वीन रेनेरा को जब लेटर मिलता है कि ल्यूक और एरेक्स मारे गए हैं तो वो बेहोश होकर ग्राउंड पर गिर जाती है। इस टाइम पर प्रिंस जोफ्री उसके साथ होता है और यहाँ पर ये खबर सुनते ही वो ओथ लेता है कि वो ल्यूक का बदला लेगा। यहाँ पर कॉलेस वैलेरियन और उसकी पत्नी राइनिस रेनेरा और उसके बेटे को संभालते हैं। एक्चुअल में इस टाइम पर डेमोन टारगेरियन हेरनहोल में होता है और वो हेरनहोल के फोर्ट को कैप्चर कर लेता है और जब डेमोन को इस खबर का पता लगता है तो वो रेनेरा को एक लेटर लिखता है। इधर ड्रैगनस्टोन में जब रेनेरा को होश आता है तो वो ब्लैक्स की एक मीटिंग बुलाती है और वो ग्रीन्स पर हमला करने का प्लान बनाते हैं। तभी डेमोन का लेटर उसको मिलता है और उस लेटर में लिखा होता है एन आई फॉर आई ए सन फॉर अ सन, जिसका मतलब होता है कि वो ल्यूक का बदला लेगा। एक्चुअल में डेमोन टारगेरियन को पहले किंग्स लैंडिंग में प्रिंस ऑफ सिटी बोला जाता था और फ्ली बॉटम और पूरे किंग्स लैंडिंग में अब भी बहुत सारे लोग ऐसे थे जो उसके लिए लॉयल थे और इसके साथ गोल्ड क्लॉक के भी कई सिपाही अब भी डेमोन को अपना फ्रेंड मानते थे। यहाँ पर डेमोन दो आदमियों को ढूंढता है जिन पर डेमोन आंख बंद करके विश्वास करता था। डेमोन उन दोनों लोगों के लिए मैसेज पहुंचाता है और जब उन्हें पता लगता है कि डेमोन को उनकी सर्विस की जरूरत है तो वो दोनों बिना कुछ पूछे उस काम के लिए तैयार हो जाते हैं। इन लोगों में से एक का नाम होता है ब्लड, जो कभी सिटी वॉच में सार्जेंट था। कुछ सालों पहले ब्लड को सिटी वॉच से निकाल दिया था क्योंकि उसने एक औरत को बुरी तरह से पीटा था। इसके साथ ही उसके दूसरे दोस्त का नाम होता है चीज। एक्चुअल में चीज को रेड कीप के सारे सीक्रेट रास्तों का पता होता है। चीज पहले रेड कीप में चूहे पकड़ता था और उसे हर खिड़की और हर टनल के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज होती है और इस प्लान में चीज का काम होता है कि ब्लड को सेफली रेड कीप के अंदर लेकर जाना और उसे एगोन के चैम्बर तक पहुंचाना। एक्चुअल में इन सीक्रेट रास्तों को मेगोर द क्रूल ने बनवाया था। इसके बाद चीज ब्लड को उन सीक्रेट रास्तों से लेकर जाता है और उसे टावर ऑफ हैंड के चैम्बर्स तक पहुंचा देता है। वो दोनों वहां से दीवार कूदते हैं और सीधा महल में एंटर कर लेते हैं। यहाँ पर गार्ड्स का नंबर कम होता है और इसी चैम्बर में क्वीन एलिसेंट भी रहती थी, लेकिन इस टाइम पर एलिसेंट वहां पर नहीं होती और ब्लड और चीज एलिसेंट के लिए आए भी नहीं थे। वो एक्चुअल में आए थे प्रिंसेस हेलेना के लिए। यह वो टाइम होता है जब रोज प्रिंसेस हेलेना अपने दोनों बेटों को एलिसेंट से मिलवाने के लिए लाती थी, इसलिए ब्लड और चीज एलिसेंट के चैम्बर में छुप जाते हैं और जब प्रिंस हेलेना अपने दोनों बेटों के साथ वहां पर आती है तो वो उसे पकड़ लेते हैं और वो बोलते हैं कि अगर वो चिल्लाई तो वो उसके दोनों बेटों को मार देंगे। यहां पर हेलेना शांत होने की कोशिश करती है, जिसके बाद ब्लड उसे बोलता है कि वो यहां पर ल्यूक वैलेरियन का बदला लेने आए हैं और वो उसके दो बेटों में से एक बेटे को मार देंगे। जिसके बाद वो खुद हेलेना से पूछते हैं कि उसे अपने बेटों में से किसको मरवाना है और वो उसी को मारेंगे। हेलेना के पास बहुत टेरिबल सिचुएशन होती है और वो रोने लग जाती है। वो ब्लड को बोलती है कि वो उसके दोनों बेटों को छोड़ दे और उनकी जगह पर खुद उसे मार दे, जिसके बाद ब्लड बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता, उन दोनों को उसके एक बेटे को मारने का टास्क मिला है। जिसके बाद हेलेना और जोर से रोती है। यहाँ पर चीज उसे बोलता है कि वो जल्दी एक बेटे का नाम चुन ले वरना वो दोनों को मार देंगे। हेलेना बहुत टेरिबल सिचुएशन में होती है। यहाँ पर हेलेना अपने छोटे बेटे मेलोर का नाम ले देती है। शायद हेलेना उसको इसलिए चूज करती है क्योंकि वह ये सब समझने के लिए छोटा होता है, या फिर शायद उसे ऐसा
लगता है कि जहेरियस उसके पति एगोन का फर्स्ट बॉर्न है, इसलिए उसके बड़े बेटे को नहीं मरना चाहिए। इसके बाद चीज हंसता है और मेलोर को कहता है कि क्या तुमने देखा, तुम्हारी मदर तुम्हें मरवाना चाहती है। इसके बाद ब्लड अपनी तलवार निकालता है और वो यहाँ पर मेलोर को नहीं मारता बल्कि उसकी जगह जहेरिस को मार देता है। और यह उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि डेमोन ने बोला था कि जो हेलेना को सबसे प्यारा हो उसे ही मारना है। यह सब देखकर हेलेना जोर से चिल्लाती है और बेहोश हो जाती है। यहाँ पर ब्लड और चीज ने इसके बाद उनमें से किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचाया और वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। गार्ड्स उनका पीछा करते हैं लेकिन चीज को सीक्रेट रास्तों का पता होता है, इसलिए गार्ड्स उन्हें पकड़ नहीं पाते। इसके बाद किंग्स लैंडिंग को पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है और सभी सोल्जर्स उन दोनों को ढूंढने लगते हैं। दो दिन बाद ब्लड किंग्स लैंडिंग से निकलते हुए पकड़ा जाता है। उसके पास जहेरियस का कटा हुआ सर होता है और वो हेरन हॉल के लिए निकल रहा था ताकि वो डेमोन से अपना प्राइस कलेक्ट कर सके। इसके बाद ब्लड को टॉर्चर किया जाता है और वो पूरी स्टोरी बता देता है और वो कहता है कि उन दोनों की मदद किंग्स लैंडिंग में एक औरत ने की थी जिसे मिजरी कहकर बुलाते थे। जिसके बाद किंग्स गार्ड चीज और उस मिजरी नाम की औरत को ढूंढने लग जाते हैं, लेकिन कई दिनों तक ढूंढने के बाद भी वो दोनों नहीं मिलते और गुस्से में आकर किंग एगोन द सेकंड ने शहर के सारे रेड कैचर्स को फांसी पर लटका दिया। इस इवेंट के बाद क्वीन हेलेना पूरी तरह से टूट जाती है और वो पागल हो जाती है। इस इवेंट के बाद क्वीन हेलेना किसी से नहीं मिलती, ना वो खाना खाती है और ना ही अपने चैम्बर से बाहर निकलती है। यहाँ तक कि क्वीन हेलेना कभी अपने बेटे मेलोर से भी नहीं मिलती क्योंकि उसे गिल्ट होता है कि उसने मेलोर का नाम लिया था। और इसके बाद ब्लैक्स और ग्रीन्स इस वॉर को ऑफिशियली डिक्लेयर कर देते हैं, जिनके ऊपर मैं फ्यूचर में वीडियोस बनाऊंगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो हिट द लाइक बटन और आप मुझे बता सकते हैं मैं आगे किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं। थैंक यू, टेक केयर।